शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वर्गीय प्रभावती ओझा स्मृति संस्था तथा विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 157 बोतल रक्त का संकलन किया गया है। यह जानकारी प्रभावती ओझा स्मृति सेवा संस्था के अध्यक्ष राम किशन ओझा ने दी है। शिविर का उद्घाटन पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय द्वारा किया गया। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, पूर्व मंत्री राजेंद्र बुलक, विधायक विकास ठाकरे आदि ने नागपुर वासियों से रक्तदान करने का आह्वान किया। सफलतार्थ पंकज शाह, हरीश राठी, मनोहर मुद्देश्वर, शिवराठी, गोपाल चांडक, विश्वजीत भगत, विक्रम शर्मा, एके शेंडे, अनिल देशमुख, हरजीत सिंह भाटिया, तेजिंदर सिंह आदि ने परिश्रम किए। शिविर के लिए विप्र फाउंडेशन, नागपुर शिक्षा मंडल, विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन, माहेश्वरी पंचायत सीताबर्डी, श्री लोहाना महापरिषद अमूल ने सहयोग किया है। देखिए, प्रतिसाद तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत लोगों ने डरा रखा था कि लोग घर से बाहर निकलेंगे या कोविड के डर से यहाँ आएंगे नहीं, बट मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि लोग जो है आज भी अच्छा काम करने के लिए तैयार है, सिर्फ उनको साथ चाहिए और विश्वास चाहिए। तो मेरा तो ये विश्वास मजबूत हुआ है कि आज कोविड की लड़ाई में लड़ते हुए हम इस लड़ाई से अब लड़ रहे हैं, तो कई योद्धा ऐसे हैं जो घरों से निकल निकल के यहाँ पर ब्लड डोनेशन देने आए हैं, चाहे वो 60 साल का हो, 55 साल का हो, बुज़ुर्ग हो। एक 70 साल के बुज़ुर्ग मेरे पास आए, बोले भाई साहब मुझे ब्लड देना है, तो मैंने हाथ जोड़ के उन माफ़ी मांगी कि भाई साहब आप रहने दीजिए। ऐसे कई लोग, युवा बच्चे, देखो हमारे यहाँ दो बच्चियाँ आई बैठी हैं जो बगैर बताए अपने पेपर में पढ़ के, जानकारी लेके, फ़ोन करके। मैं इस प्रतिसाद से बहुत खुश हूँ और मैं नागपुर के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ, उनको नमस्कार करना चाहता हूँ कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके इस प्रतिसाद के लिए। बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस संस्था के नीचे आकर नागपुर में जिस खून की कमी को होने के लिए हम कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहते हैं, उस सहयोग के में आगे आकर हमें साथ दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे अध्यक्ष विश्वजीत शर्मा हैं, उनके ही उनके मार्गदर्शन के ही बीच में मैं रह के उनका साथ दे के ये मैंने जो ब्लड डोनेट का जो प्रोग्राम है उनके ही साथ रह के ये सब हम सफल कर रहे हैं। हमारे को अच्छा प्रोग्रेस भी मिला है, जितना हमारा था कि इतने लोग मतलब था कि इतने लोगों ने देना चाहिए, उससे ज़्यादा लोग आके यहाँ दे रहे हैं। और मेन बात तो हम जो ये कोरोना के बीच का चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हाथ सैनिटाइज़र देते हुए सबको सैनिटाइज़र करते हुए हम अंदर ले रहे हैं और उसका हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। सूरज अपने घर मतलब ज़्यादा जो मेंबर घर में ज़्यादा है उन्होंने अपने हाथ साफ करना है और बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकलने के बाद भी मास्क जो है वो पहन के निकलना है, ज़्यादा लोगों से ना मिले, जहाँ भीड़ भाड़ की जगह रहे वहाँ ना जाए। ब्लड डोनेशन को फर्स्ट टाइम तो नहीं आया मैं, करीब ऑलमोस्ट 40-50 बार दे चुका हूँ, बट अब आजकल अब थोड़ी सी एज ज़्यादा होने के बाद में डॉक्टर ने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने को बोला है, तो मैं अभी साल में 2 बार देता हूँ। और लॉकडाउन के दौरान में भी जब ऐसे रिक्वेस्ट आया तो अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे वैसे भी गर्मियों में शॉर्टेज होती है ब्लड की, और ऐसे में फाउंडेशन ने जो ये रखा है बीटीए के सपोर्ट से हम लोगों ने मिलके ये बहुत अच्छा योगदान हुआ है, लोग बहुत सारे आए, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे समय पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में जो नॉर्मल ब्लड डोनेशंस होते हैं उसके मुकाबले इस बार बहुत कम हुए हैं, और ये अच्छा है। बेस्ट विशेस, ऐसे और प्रोग्राम हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ऐसी शुभकामनाएँ। सर जी, मेरा नाम दीपक मोतीलाल जी लुनावत जैन है और ठीक लग रहा है ब्लड डोनेट करके। हमारे मित्रगण हैं अचानक से लेके आ गए, चलिए शुभ काम के लिए चलना है, तो उनका नाम है योगेश कोचर जी और अमित तिवारी जी, तो उन लोगों ने ऐसे ही लेके आ गए अचानक से और अच्छा लग रहा है, ये सरप्राइज है। मैंने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है एंड आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू टू हेल्प, स्पेशली अभी जो पैंडमिक वगैरह चल रहा है उस सब में भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड आई फील हैप्पी एंड प्राउड एट द सेम टाइम। ऑफकोर्स करना चाहिए बिकॉज अभी आई थिंक क्योंकि अभी जैसे कंट्रीज़ में यूथ वगैरह का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड ब्लड डोनेशन लाइक आई सेड अर्लियर इज़ द लीस्ट एनीबडी कैन डू, सो आई थिंक सब लोग ने करना चाहिए एटलीस्ट जो कर सकते हैं। मैंने अभी भी ब्लड डोनेट किया है यहाँ पे
एंड इट फील्स गुड बिकॉज आपको पता है कि आप सोशल कॉज कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग. यू नेवर नो आपकी फैमिली को कब जरूरत पड़ सकती है, तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू देयर पार्ट इसमें, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू गेट ब्लड जब किसी की इमरजेंसी होती है, तो इट कैन हैपन टू योर फैमिली एज वेल. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डोनेट ब्लड जिनको ज़रूरत है उसकी. हाँ, मैं पहली बार कर रही हूँ, बट मेरी फैमिली में मतलब जितने भी बड़ों को देखा है, रेशमा से जैसे आपने बात की, शी वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि मैंने उसी को देखा था फर्स्ट टाइम एंड उसके साथ में गई थी, तो दैट इज़ वैन आई गॉट एनकरेज एंड आई वॉज लाइक आई एम वेटिंग टिल आई गेट लाइक बिकम 18. एग्जैक्टली. डर तो बिल्कुल नहीं था, डर बिल्कुल नहीं था.